पानी आही बाकी सारी बे लाइन कर आही। हाँ तो तुम्हारे रोपा भिंडा कर धारा आज है कहाँ कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहर और हमारे YouTube चैनल मोहर राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज दिन है मंगलवार और हम जा रहे हैं अभी अपने खेत में और अभी मैं रास्ते में हूँ और आज हम लोग का रुपाई होने वाला है, मतलब खेत का फर्स्ट रुपाई होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग अपना गाड़ी भी रख दिए हैं और चलते हैं अभी खेत की ओर और दिखाते हैं कि कैसा है अभी खेत और बहुत कुछ दिखाएंगे अभी जाके आपको। मेरा जो बाड़ी दिख रहा है ना वो सामने दिख रहा है बगीचे के उस पार हम लोग का बाड़ी है जहाँ पर मैं खेती बाड़ी करता हूँ वहाँ पर। और देखिए यहाँ का रास्ता इस प्रकार है, कच्चा रास्ता है और यहाँ पर तालाब है जिसमें कि पानी नहीं है। और अभी चलना है हम लोग को, वो दिख रहा है ना मतलब सामने पेड़ पौधा, वहाँ जाना है और उधर जाके दिखाएंगे। और मैं छाता धर लिया हूँ और पानी धर लिया हूँ झोला में और इसमें रोटी उटी भी धर लिया हूँ मतलब खाने के लिए। मैं सुबह तो ज़्यादातर नाश्ता उस्ता मतलब किया हूँ थोड़ा बहुत और खाना उना मैं लगभग 11-12 बजे के बाद ही खाना खाता हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा सा मैं पकड़ दिया हूँ थोड़ा थोड़ा अपने लिए। और देखिए इधर का रोपाई, देखिए हमारे गाँव का खेत बहुत ही अच्छा है, मतलब अभी एकदम हरा भरा दिख रहा है, इस साइड भी एकदम हरा भरा दिख रहा है और बहुत लोग अभी खेती उती भी कर लिए हैं। और जाना है भाई अभी, और अभी यहाँ मतलब जो बिंडा रहता है ना धान का जो थारा उसको अभी आएंगे, मतलब जो बनिहार रहते हैं मजदूर बनिहार वो लोग आएंगे और उसका निंदाई उंदाई करेंगे। और हम लोग अभी तो जा रहे हैं और छाता भी धर लिया हूँ आज मैं, और एक बार आया था तो एकदम छाता धर के नहीं आया था, पूरा पानी में भीगा था, बस मोबाइल ही बचा था मेरा। और देखिए अभी तो फिलहाल अभी आपको यही सब वीडियो देखने को मिलेगा क्योंकि अभी मैं भी ज़्यादातर अभी रोपा बिंडा का टाइम आ गया है ना गांव में, तो उसके वजह से हम लोग को दिक्कत होता है मतलब मंडी उंडी जाने में इधर उधर जाने में, तो इसके लिए हम लोग को एक टाइम यहाँ भी आना पड़ता है, इसके वजह से हम लोग अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही एकदम खूबसूरत है भाई, एकदम खूबसूरत जगह है हमारे गांव का खेत खलिहान। और देखिए इधर हरा भरा, इधर तो रोपाई हो गया है, इस साइड आपको रोपाई दिखेगा जो कि हो गया है रोपाई उपाई पूरा एकदम कंप्लीट, और दिखाएंगे अभी हम लोग आगे जाके। और एकदम आराम से चलना रहता है भाई, आप आइएगा ना तो एकदम आराम से खेत में चलना पड़ता है क्योंकि बहुत कीचड़ रहता है तो उसमें गिरने का भी संभावना रहता है। और यहाँ पर एक नाला पड़ता है हम लोग के, ये देखिए नाला पड़ता है, तो चलिए अभी दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ा नाला नहीं है मतलब छोटा सा नाला है, आखिर बहुत ही अच्छा नाला है और यहीं से पानी सप्लाई होता है इधर के लिए। और दिखाते हैं, इसी को पार करना पड़ेगा यहाँ पर से, और ये सामने दिख रहा है यहाँ पर नाला है, ये देखिए इधर तो बहुत लोग खेती उती कर लिए हैं रोपाई उपाई भी कर लिए हैं, ये देखिए ये सब पूरा रोपाई हो गया है आपको दिख रहा होगा ना, ये सब पहले रोपाई कर लिए हैं क्योंकि यहाँ नाला का जो रहता है ना पानी उसको लगा लगा के यहाँ पर खेती किए थे जल्दी ही, ये लगभग 10 दिन प्लस हो गया है ये सब रोपाई, ये देखिए। और इधर तो हम लोग का अभी तो बाकी है और ये बहुत कीचड़ है भाई, कीचड़ वाला रास्ता है और इसमें फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, मैं बचपन में आता था तो बहुत गिरता था इसमें, तो मेरे को बहुत हंसते थे लोग। और देखिए एकदम हम लोग को इसी रास्ते से अभी जाना है, देखिए यहाँ पास नाला है पर यहाँ पास पानी भी है, तो हम लोग को अच्छा जगह देखना पड़ेगा जाने के लिए। और चप्पल पहन के आ गए हैं ना तो उसके वजह से और ज़्यादा हम लोग का पैर फिसल रहा है यहाँ। और देखिए यहाँ पास नाला, ये देखिए आपको नाला दिखेगा और इधर भी देखिए, इधर भी इधर पूरा पानी बांध के रखे हैं नाला में, पूरा पानी बांध के रखे हैं, यहाँ पर से लगाते हैं ऊपर की ओर मतलब पानी पंप पंप लगा के। और यहाँ पर देखिए इधर लाइट उट भी लगा लिए हैं,
वहाँ से। और बचपन में हम लोग इसी नाले में आते थे हम लोग मछली पकड़ने। देखिए इधर भी आपको दिखेगा, अभी मछली दिखेगा तो दिखाएंगे। देखिए देखिए इधर पूरा आपको दिखेगा भाई, और इधर भी जा रहा है। चलिए अभी ऊपर साइड चलते हैं, देख रहे हैं हमारा चप्पल का हालत कैसा हो गया है यहाँ पर। ये देखिए इसमें दोनों चप्पल ऐसे ही हैं, मतलब एकदम लग जाता है इसमें कीचड़ तो फिसलन होता है। और दिखाते हैं अभी, चलते चलते जा रहे हैं। और देखिए हम लोगों को सामने दिख रहा है ना, उस साइड से आए हैं, और देखिए कैसे कटे हैं एकदम। और अभी हम लोग को दिख रहा है ना वहाँ पर, देखिए वो छाता रखे हैं ना छाता, वहीं पर जाना है हम लोग को। वहाँ पंप वंप भी लगा हुआ है, और देखिए इधर मूंगफली लगाए हैं। और हम लोग को जाना है, और बचपन में आते थे ना तो हम लोग उस वाले रास्ते से भी आते थे, वो सामने तरफ है, कभी दिखाएंगे अगर मौका मिलेगा तो। और उस सामने से भी आते थे, उधर भी है आने उने का पूरा एकदम व्यवस्था। और पहले हम लोग मिट्टी तेल का जो पंप रहता था ना, उससे हम लोग ज़्यादा उपयोग में लेते थे मिट्टी तेल का, पर अब नहीं ले रहे हैं, अब लाइट का ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए बहुत जबरदस्त भाई इधर का नज़ारा। और देखिए इधर भी लगाए हैं, और हम लोग पहुंच गए हैं अपने खेत में। देखिए ये दिख रहा है ना, ये हम लोग का खेत है। ये देखिए ये सब इधर से पूरा वो सामने दिख रहा है, वहाँ तक हम लोग का खेत पड़ता है इधर पूरा, अभी दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर से पूरा जुताई उताई भी हो गया है एकदम, और अभी बिंडा भी मराई हो गया है, मतलब कुछ काच। देखिए हम लोग का खेत, और इधर भी देखिए ये वाला भी खेत यहाँ पर, और पानी उनी लग रहा है अभी लगने के लिए। ये देखिए यहाँ पर मोरा उरा ले लाए हैं, और देखिए इसमें पानी उनी एकदम भरा हुआ है, और यहाँ पर बिंडा मराई चल रहा है। ये देखिए और वहाँ पंप लगा हुआ है, एक देखिए उधर से पानी आ रहा है नाला से, और यहाँ पर बिंडा मरा रहा है। अभी इसी को आएंगे लोग मजदूर, तो यहाँ पर बिंडा उंडा मारेंगे। और देखिए अब नान निंदा थे बंद आ गिन है, कह रहा है कि बंद उंद आ गया है एकदम थोड़ा सा। और देखिए इधर पानी निकल रहा है, काकर ट्रैक्टर हा ही काकर हा तो आज है काकर हा ही और देखिए इधर जबरदस्त दिख रहा है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग एक जगह और जाते हैं खेत साइड, और दिखाते हैं अभी
उधर जाके, और यहाँ पर देखिए हम लोग काम कर रहे हैं करने वाले, और हम लोग तो अभी आगे की ओर चलेंगे और दिखाएंगे अभी। और इधर दिखाते हैं, और हम लोग को अभी वहाँ जाना है एकदम दूर, टावर दिख रहा है ना वहाँ पर। और चलिए अभी दिखाते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ किसान लोग अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं नांगर उंगर भी जुताई चल रहा है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं और आप सभी को दिखाते हैं, और आज का ब्लॉग बस यही रहेगा खेती किसानी, और दिखाते हैं कि गांव में अभी तो यही सब चल रहा है अपना खेती किसानी ये सब। और चलते हैं वहाँ पर भी, देखिए लोग कोई कोई हैं जो एकदम नांगर जुताई चल रहा है खेतों का, और इसको अभी पूछेंगे के बार जोते हैं और कैसे किए हैं वो भी पूछेंगे, और के बार में खेत मतलब जगाने लायक हो जाता है वो भी पूछेंगे। तो ये देखिए भाई, इनसे पूछते हैं कौन है, अपना परिचय दो भाई। अनिल कुमार राजवाड़े। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं नहीं, क्या काम चलत रही? वो तो नांगर जुताई चलत रहे, रोपा लगी। हाँ तो कितना टाइम अभी ढीले है के भैसा भैसा वाला, कितना टाइम ढीला? अभी तो ढीले। अब कितना टाइम जोते वही स्टार्ट कर रहा है तू? सात बजे मान लो 11 बजे तक किए हैं, 4 घंटा के करीबन काम। और 4 घंटा में के बार जोते हैं इसको नीचे को? दो बार। और दो बार रख रहा है। दो बार रख रहा है इसे। जबरदस्त। फिर रख रहा है अभी? फिर रख रहा है। चल ठीक है, मैं तनिक आगु कति जात हूँ वहाँ मन के देखे कि मन का करत है। और देखिए इधर भी, इधर पूरा एकदम इसको लगा चुके हैं, और देखिए इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके यहाँ पर हो पाता है मतलब रोपाई के लिए। और जानते हैं ना धान 1 किलो में 2000 हाँ 1 किलो में 2000 लीटर पानी का उपयोग करता है अपने फसल लगने से पकने तक का, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी का आवश्यकता होता है धान को तब पक पाता है इतना। और देखिए इधर दिखाते हैं, इसको बोलते हैं बिंडा, और इसको रोपा, ये वाला रोपा है और इसको बोलते हैं बिंडा। इसको भी मारने का एक कला होता है, हर कोई नहीं आता है, और फिलहाल हम भी आते थे बचपन में और बहुत आते थे बीच बीच में, तो हम लोग से नहीं हो पाता था भाई बिंडा कैसे मारते हैं, हम लोग बांधवे नहीं करते थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग भी अभी कामें कर रहे हैं, हम लोग अभी ये देखिए इसको मतलब क्या बोलते हैं प्लेन करेंगे बाची से। पहला आज कुपर झा रगरत है। तुमन कितना टाइम ले आए रहा खेते? हमरे 7 बजे आए रहे। 7 बजे खाई पी के आए रहा था ना यार? हाँ यार, बिना खाए कहाँ से खाई। 7 बजे से 4 घंटा का जोताई जोते है, कौन कौन ला जोता? तीन थे ओला, वो सामने दिख रहा है उसको, इसको, इसको। देखिए छोटा छोटा खेत है और बड़ा भी है, मतलब वो छोटा है थोड़ा सा है, कुछ बड़ा है उससे बड़ा भी है, और इधर कुछ कर लिए हैं और काम कर। अब इसको कोपर बोलते हैं नहीं, कोपरा था बराबर, फिर में बिंडा पौराई हो ही। देखिए इसको कोपर बोलते हैं भैया, इसको देखो नांगर, ये नांगर जोताई चल रहा है, सामने नांगर जोता रहा है, और इसको कोपर जो प्लेन करते हैं ना वो बनता है यहाँ पर। देखिए इन लोग जबरदस्त एकदम, और इसमें शायद बिंडा थहरे थे ये वाला, ये जो है ना ये दिख रहा है ना सामने, ये बिंडा बोलते हैं इसको, इसको यहाँ पर था इसीलिए इसका इधर से ट्रांसफर किए हैं तब ये जाके इधर जोताई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं भाई, जय राम। कैसे नागर जोताई चला थे? कितना टाइम ले आए रहे हलवे के? तो अजय आओ कितना टाइम ले जो देवे तो होगी से।
के बात जो धारे हतेला ए मतलब एक धार पूरा इला जो धारा फिर दोबारा करत है नहीं दुई धाई में हो जाते सब है दुई धाई में सब हो जाते तो तुम्हार होगी खेती बाड़ी इतने देखा मोर कती देखा मोर कती पहले तुम्हार जगह उगाई होगी कहाँ ये जगह कहाँ जगह रही हाँ उस जगह है नहीं पूरा कर धारा एकदम तो अजय आए रहा का कहीं धर के पानी दाह के पूरा खेती हुई से खेत मन में नहीं है इन साल पानी नहीं और चलिए दोस्तों अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने खेत की तरफ फिर से और उधर जाते हैं और उस साइड पे भी दिखाते हैं आप सभी को और इधर तो अभी रोपाई होगा यहाँ यहाँ भी अभी चलिए रहा है देखिए रोपाई के लिए तैयारी और हम लोग को अपने खेत में जाना है वहाँ पर वो टावर दिख रहा है उस साइड वहाँ जाके ही अभी आप सभी से मिलते हैं। जय राम जी। तो पानी तो नहीं गिरा था कैसे भगवान जो बाबू कोई नहीं गिरते अखिन अब एक दो साल ने ढेरे यही कस हो जाते नहीं बस इन साल भर आऊ कभी कहाँ अब नहीं करे इन साल भर तो आऊ कभी तो अभी भैंसे बकरी चराई हाँ भैंसी बकरी इतने सब पानी नहीं देखा पंप लगा लगाए के जगावत है नहीं आही बाकी सारी बेर लाइन करा ही हाँ तो तुम रोपा बिंडा कर धारा आज है कहाँ कर रहा हूँ तेरे पानी ही नहीं है वो वहाँ मन कर हाँ कहाँ कर बिंडा रोपा चल ठीक है पापा चलो थे दोस्तों अभी हम लोग शाम के वक्त फिर आए हैं अपने खेत में मैं चले गया था उतना टाइम यहाँ खेत से और फिर अभी आया हूँ 4 बजे के करीबन अपने खेत को देखने के लिए और इधर देखिए इधर पूरा ये दिख रहा है ना रोपाई वाला ये सब रोपाई उपाई हो गया है यहाँ मतलब एक तो जो है एक डोली वो बाकी है तो अभी दिखाता हूँ कि कितना बाकी है इधर इस साइड आपको दिखेगा एकदम हरा भरा पूरा यहाँ पर से और यहाँ पर देखिए हम लोग काम कर रहे हैं आपस नीचे और पानी देख रहे हैं आपस और देखिए इधर नाला को जबरदस्त बांध के रखे हैं पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना इधर पानी भी नहीं जा रहा है देखिए और दिखाते हैं अभी इस साइड और चलते हैं और इधर भी अभी दिखाते हैं और यहाँ पर देखिए ये वाला खेत लग गया है रोपा ये वाला लग गया है सामने वाला भी लग गया है वो सामने दिख रहा है ना वहाँ और उधर भी लग गया है तो अभी दिखाएंगे वहाँ जाके ये रहा है हम लोग का खेत यहाँ पर पूरा दिख रहा है खेत दिख रहा है अभी बस खेती किसानी वाला ही वीडियो आ पाएगा देखिए इधर पानी के ले जाओ कि रह दो देख ले है कि नहीं है और देखिए हम लोग यहाँ पास पानी लाए थे झोला में पकड़ के और देखिए इधर रोपा उपा हो गया है हम लोग एक जगह और दूसरे जगह भी जाएंगे वो जाने के लिए ये देखिए सामने दिख रहा है वो वाला बाकी है ये दूसरा नंबर का है वो सामने वाला वो वाला तीसरा है फिर वो चौथा है पांचवा है फिर छठवां है उसके नीचे सातवां है और देखिए पानी भी गिर रहा है एकदम और इधर और देखिए यहाँ पर रोपा लगा रहे हैं देखिए पानी भी आ रहा है और देखिए ज़बरदस्त पानी आ रहा है और देखिए जगाने वाले बस उतना ही सारा बचाए हैं फिर सबको लगा चुके हैं और देखिए पानी भी आ रहा है एकदम और हम लोग छाता के नीचे हैं और लोग जा रहे हैं इस साइड है देखिए हम लोग का खेत और यहाँ से हम लोग निकलते हैं अब अपने घर की ओर
दोस्तों हम लोग अपने खेत से अब निकल रहे हैं घर की ओर, और अगला वीडियो आप किस जगह का देखना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए। साथ ही इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।